ठीक है बेटा, तो हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सही है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस्ड अबाउट हाइड्रोपोनिक्स आई गेस। हाइड्रोपोनिक्स कोई मुझे बता सकता है क्या है? आज तो हमारी स्लाइड में हाइड्रोपोनिक्स है भी नहीं। मिस हाइड्रोपोनिक्स जो है वो सॉइलेस फार्मिंग है, जिसमें जो है हम वाटर को यूज करते हैं, मतलब हम वाटर के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स के 4 एडवांटेज हैं कि जब हम हाइड्रोपोनिक्स करते हैं वाटर में, तो जो उसमें वीड्स मेड जो सॉइल में जो है वो थिन स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, तो वो वीड्स कहलाते हैं। वो जो हाइड्रोपोनिक्स में वाटर जब होता है तो वो नहीं बन पाते, क्योंकि वीड जो है वो प्लांट को हार्मफुल होता है, वीड प्लांट के लिए, और वो प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्सीलेंट। सेकेंड एडवांटेज हाइड्रोपोनिक्स का ये है कि हाइड्रोपोनिक्स में जो है हमें कल्टिवेशन मतलब हमें ज्यादा एरिया नहीं रिक्वायर्ड होता, हमें सिर्फ वाटर चाहिए होता है। थर्ड ठीक है, वेरी गुड। और थर्ड एडवांटेज हाइड्रोपोनिक्स का ये है कि हम हाइड्रोपोनिक्स को बंजर इलाकों में भी मतलब कर सकते हैं, मतलब ग्रो कर सकते हैं। और जो है मिस चौथा क्या फायदा था? चौथा फायदा ये था कि इससे जो है ना मतलब हम आर्टिफिशियल मिनरल्स जो है हाइड्रोपोनिक्स में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब सॉइल में प्लांट ग्रो हो रहा होता है तो हमें पता नहीं होता था कि कौन से मिनरल्स प्रोवाइड उसको किए जा रहे हैं और नहीं। ठीक है, एक्सीलेंट मिनाहिल, बहुत अच्छा बताया बेटा आपने, वेरी गुड। इसका मतलब तुमने पढ़ा था, ठीक है। तो तुमने सब चीज़ें तो कवर कर दी हैं, ठीक है। सो सब चीज़ें बता दी मिनाहिल ने, तो वेरी गुड मिनाहिल। उसके अलावा बेटा हमने क्या पढ़ा था, और कोई मुझे बताएगा क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग हमने डिस्कस मिस करा क्लोनिंग पढ़ी थी, जो कि डुप्लीकेट कॉपीज होती हैं जेनेटिक मटेरियल्स की। इसके अंदर अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो ट्वेंस और ट्रिपलेट्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, वो इसकी एग्जांपल है। और था। डॉली एक नाम की शीप थी जो कि साइंटिस्ट ने बनाई थी, क्लोनिंग करके डॉली शीप बनाई थी, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर था तो वो उसकी डेथ हो गई जल्दी। हाँ, उसके अलावा क्लोनिंग के हमने एक्सीलेंट। एडवांटेजेस पढ़े थे कि उससे इंसुलिन बनती है और ग्रोथ हार्मोन वगैरह जो है की जाते ताकि लोगों की हाइट जो है वो सही रह सके, और इंसुलिन लाते हैं ताकि ताकि जो है जो जिनको शुगर है वो अपनी शुगर को मेंटेन कर सके। एक्सीलेंट एक्सीलेंट निम्रा, बहुत अच्छा बताया बेटा, वेरी गुड। ईशा बेटा, आप भी कुछ कह रहे थे, एग्जैक्ट डेफिनेशन बता सकते हो ईशा बेटा आप मुझे क्लोनिंग की? मिस क्लोनिंग इज अ प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मिस डुप्लीकेट कॉपीज मीन्स एज इट इज सेम, और जेनेटिक मटेरियल वो चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रही होती है जीन्स के थ्रू। सो मिस जेनेटिक मटेरियल की जो डुप्लीकेट कॉपीज होती है वो कहलाती है क्लोनिंग। ठीक है, सही। वेरी गुड ईशा, तुमने भी सही बताया। तो उसका मतलब तुम लोग पढ़ के आए थे, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी, क्लोनिंग है, हाइड्रोपोनिक्स है, और इसके अलावा हमने जो थोड़ा बहुत आगे का पढ़ा था, दैट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यू कैन स्किप दैट पार्ट सेफली, ठीक है। तो अब आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, आई होप ऑल ऑफ यू हैव बुक्स। तो वो चैप्टर है सेल। द सेल आपके पास आई थिंक थर्ड चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है बेटा? थर्ड ही होना चाहिए। हाँ, शायद ये थर्ड ही चैप्टर है, ठीक है। तो द सेल वाला चैप्टर आप लोग खोल लो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेल। आई डोंट थिंक सो दैट ये बहुत तेजी से हम जा रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज वेरी शॉर्ट। तो आई थिंक वी आर गुड एट स्पीड, ठीक है मिस जी। मिस आपने जो प्रोटेक्शन एंड कन्वर्जेशन ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ाया था, वो तो आपने कहा था कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो लास्ट टॉपिक था वो आपने कहा था समटाइम्स से शॉर्ट में आ जाता है। नाम बताओ बेटा उस टॉपिक का। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि आज तो वो वाली स्लाइड नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग ये स्टार्ट कर देते हैं, अगर ये चैप्टर करने के दौरान हमारे पास टाइम बचा तो हम वो कर लेंगे, या नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज तो क्योंकि मेरे पास ये वाली स्लाइड है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो हम कर लेंगे, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वो भी नहीं है, बट वो हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि हम छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में क्योंकि मेरे पास वो स्लाइड नहीं है, तो आज की क्लास के लिए रहने देते, सही है ईशा? चलो हम सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करें। आप सबके पास बुक्स है ना बेटा, सेल वाला चैप्टर खोल लो, ठीक है। सेल बेसिकली क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल? बचपन से पढ़ते हुए इट्स द आ रहे हैं सेल स्मॉलेस्ट क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिट ऑफ लाइफ, सही है। और कोई सेल से सेल के बारे में तुम लोगों को जो भी पता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी गुड, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं सेल को? ये तो हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या है? ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है ना, इसका मतलब समझाए मुझे कोई, क्या होता है?
क्यों कहते हैं हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट, क्यों कहते हैं हम इसको फंक्शनल यूनिट? क्योंकि मैं अगर सेल ही नहीं होगा तो फिर इंसान में फंक्शंस कैसे होंगे? ठीक है, सेल के अंदर ही होती है. ठीक है, सही है. क्योंकि देखो ये जो काम हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उसका बेसिक यूनिट, ठीक है, सबसे छोटे लेवल पर जो काम हो रहा है वो सेल है. ठीक है, सेल अगर नहीं होगा तो सेल की बेसिक जो चीजें हैं वो बेसिकली क्या होता है कि सेल इज बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट. यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा बेसिक है, सबसे ज्यादा सिंपल है, जिसमें एक ऐसे लाइफ एसेंशियल प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसके बगैर लाइफ का होना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, फंक्शनल यूनिट अगेन फंक्शन को ऐसे परफॉर्म कर रहा है जो लाइफ के लिए एसेंशियल है. ठीक है, और बेसिक यूनिट है तो सेल बेसिकली है तो कहने को एक छोटा सा सेल है. ठीक है, लेकिन उसके अंदर की दुनिया आपको खुद भी पता है कि इसमें ऑर्गेनाइज होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं. और अगर ये सब प्रोसेसेस ना हो बेसिक लेवल पर, यानी सेल के लेवल पर ना हो, तो फिर पूरी बॉडी का निज़ाम ही धर्म भरम हो जाएगा. तो इसीलिए हम अब इस चैप्टर में जो भी डिस्कस करेंगे वो है सेल से रिलेटेड, सेल में कौन से ऑर्गेनाइज हैं. ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या. सेल क्या होता है, सेल के अंदर जितने ऑर्गेनाइज हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं. ठीक है, और एनिमल सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, माइक्रोस्कोप क्या होता है और सेल थ्योरी क्या होती है. ठीक है, ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर. तो अब सेल का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. ये बात याद रखना कि ये जो चैप्टर है सेल वाला, ये आपका बॉटनी जो पोर्शन है उसका पार्ट होता है. आपका जो फर्स्ट ईयर, अब मुझे पता नहीं है 9th क्लास का पेपर में ऐसा होता है कि नहीं बॉटनी जूलॉजी का, क्योंकि मुझे अब 6-7 साल हो गए हैं, बल्कि हाँ 7-7 साल तकरीबन हो चुके हैं मुझे 9th क्लास की है, तो मुझे याद नहीं है कि 9th क्लास में जो है वो क्या नाम है, किस तरह से पेपर का पैटर्न है या हो सकता है चेंज हो गया हो. बट फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है कि बॉटनी जूलॉजी जो है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों जो है वो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं. तो बॉटनी के चैप्टर अलग होते हैं और जूलॉजी के चैप्टर अलग होते हैं. तो जो बॉटनी का आपका ये वाला है ना, ये जो चैप्टर सेल का, ये बॉटनी का चैप्टर है. तो हम स्टार्ट करते हैं सेल की, सेल के बारे में स्टडी करना फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ. ठीक है, अब जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं उसमें सेल की डेफिनेशन बताई हुई है और सेल को इंट्रोडक्शन दिया हुआ. ठीक है, यू कैन मेक इंट्रोडक्शन की हेडिंग, द टर्म सेल से आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग बना सकते हो. उसके अलावा इसमें और क्या चीज बताई हुई है, इसमें जो है बेसिकली सेल का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. अब क्या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बेटा, ये उसमें बहुत आता है, एमसीक्यूज में बहुत आता है, तो इसको थोड़ा गौर से और मेमोराइज करने की कोशिश करना. द टर्म सेल, ठीक है, यू कैन स्किप दिस पार्ट. ये ग्रीक का बताया हुआ है कि ग्रीक में इस तरह से हॉलो स्पेस कहा जाता है इसको, वॉज फर्स्ट यूज बाय रॉबर्ट हुक. ठीक है, इसको अंडरलाइन करो, रॉबर्ट हुक. ये बहुत एमसीक्यूज में पूछते हैं कि सेल किसने डिस्कवर किया था, हु वाज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर सेल. सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक आपने ब्लैक से अंडरलाइन करना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यूज में आता है कि किसने सेल पहले सबसे पहले डिस्कवर किया था. और दूसरी बात ये कि एक है रॉबर्ट हुक साहब और दूसरे हैं हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन साहब. ठीक है, अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कारनामा अंजाम दिया था, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. डिस्कवर्ड अ स्फेरिकल बॉडी विच इज नेम न्यूक्लियस. ठीक है, तो आप इसको भी अंडरलाइन करो, इसको भी याद. अब देखो रॉबर्ट हुक और ब्राउन बहुत मिक्सअप कर देते हैं बच्चे के, भाई रॉबर्ट सेल किसने बनाया था, ओ सॉरी सेल किसने डिस्कवर किया था, उसमें ना अक्सर बच्चे जो है अच्छे अच्छे बच्चे भी रॉबर्ट ब्राउन करके आ जाते हैं, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. ठीक, तो इसको अच्छे से याद रखना कि दोनों रॉबर्ट साहब को आप मिक्स नहीं कर देना. रॉबर्ट हुक इज रिलेटेड टू सेल डिस्कवरी, ठीक है, और न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. ठीक है, तो दोनों को अच्छे से याद रखना, एंड डोंट मिक्स इट अप प्लीज, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट एमसीक्यूज. सही है, अब नीचे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है. द फैक्ट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वाज एम्फसाइज्ड बाय शील्डन एंड शिवान. आपको पता है शील्डन शिवान ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं. ठीक है, और शील्डन शिवान के अलावा हम पढ़ते हैं रुडोल्फ विर्चो, आर विर्चो जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी एक तीसरा पॉइंट सेल थ्योरी का दिया था. और सेल थ्योरी बेसिकली क्या है, एक ऐसी थ्योरी है जो सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही है, सेल की इंपॉर्टेंस हमें बता रही है कि सेल बेसिकली क्यों जरूरी है, क्या इसका काम है, क्या इसका रोल है ह्यूमन बॉडी में भी और नॉर्मल बॉडी में भी. सही है, बेसिकली थिंग्स में. तो सेल एज अ स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इनक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन. अब सेल क्या है, ये सेल की बेसिक डेफिनेशन बताई हुई. ठीक है, अगर आपको कभी सेल थ्योरी आपसे शॉर्ट आंसर में अक्सर पूछते हैं, ठीक है, तो नीचे जो आपको हेडिंग नजर आ रही है उस पर एक स्टार बना लो, इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी. यहाँ जो है ये आपसे अक्सर पूछते हैं कि इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी में आपके पास सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स पूछते हैं. ठीक है, तो आप देखो बेटा जब भी 9th की क्लास की तो मैं बात नहीं करी, मगर फर्स्ट ईयर में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न जो होता है ना, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है, वो मैं आपको बता दूं. जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कोई थ्योरी पूछी हो, जैसे यही थ्योरी है
सेल थ्योरी का आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी स्टडी, उसके अलावा मैं आपको एक थोड़ी सी एक चीज बता रही हूँ जो आपके पेपर में काम आएगी, ठीक है। जब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है, उसमें कोई थ्योरी आपसे पूछ ली, कोई लॉ आपसे पूछ लिया, कोई एक्सपेरिमेंट आपसे पूछ लिया, कोई भी चीज आपसे पूछ ली, ठीक है। अब अगर उस क्वेश्चन के अंदर सपोज करो यहाँ पर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी, सही है। तो जो एक एवरेज बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा, वो सेल थ्योरी के जो 3 पॉइंट्स है वो लिख कर आ जाएगा और बड़ा खुश होगा कि यार मैं तो लिख के आया हूँ और मुझे तो पूरे ना बिल्कुल फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। सही है, आपसे पूछा था व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी, आपने 3 पॉइंट्स बता दिए, बिल्कुल सही बताया, कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। मगर जो एक अच्छा बच्चा है, जो एक पोजिशन होल्डर बच्चा है, एक अच्छा जो बच्चा है जो पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या पैटर्न होगा कि वो उस क्वेश्चन में से सबसे पहले वो वर्ड या वो टर्म ढूंढेगा कि जिसकी मीनिंग बुक में बताई हुई थी या जिसकी डेफिनेशन बुक में बताई हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। तो अब उस सेल थ्योरी में क्या चीज है, सेल, सबसे पहले आप जो एक अच्छा बच्चा होगा ना, जो मतलब स्टडी में अच्छा बच्चा होगा, स्टडीज में, वो क्या करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए बताएगा उससे कि सेल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न होता है, ऐसे ही नहीं आप कर देते हो अटेम्प्ट, सबसे पहले वो बताएगा सेल क्या होता है और सेल की डेफिनेशन लिखेगा आप, उसने ये डेफिनेशन लिख दी कि सेल इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन ब्ला ब्ला, सेल डिफाइन किया उसने, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या बताया, क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी। तो अब सेल थ्योरी बताने से पहले उन्होंने क्या किया, उस बच्चे ने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा ये बात जहन में रखना कि उस क्वेश्चन में कोई भी टर्म दी हुई हो उसको डिफाइन करो लाजमी, ठीक है। और अगर उसमें कोई इंट्रोडक्शन है, ठीक है, किसी भी साइंटिस्ट का नाम है जो जिसने वो थ्योरी प्रेजेंट की थी, वो एक्सपेरिमेंट किया था, आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाओ और उस साइंटिस्ट का नाम लाजमी लिखो इंट्रोडक्शन में कि भाई दीज वर जैसे यहाँ पे सेल थ्योरी है तो शील्डन शिवानंद आर विच प्रेजेंटेड अ थ्योरी विच इज नोन एज सेल थ्योरी, सिंपल ये लिखो तो एग्जामिनर जो पेपर आपका चेक कराए उस बंदे पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और उसको पता चलेगा कि हाँ यार ये पढ़ने वाला बच्चा, इसने तरीके से मुझे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले उस वर्ड को डिफाइन करना है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जिसकी डेफिनेशन बुक के अंदर मौजूद थी, आपने सेल बताया व्हाट इज सेल, ठीक है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाई एंड यू मेंशन द नेम ऑफ थ्री साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड सेल थ्योरी, फिर आप आओगे असल मुद्दे पे जो है आपका इंपॉर्टेंस या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, उसमें आपने ये तीनों हेडिंग्स बना के आपने पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब एक एवरेज बच्चा जिसने उठा के सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उसको हो सकता है 2 नंबर में से सिर्फ 1 नंबर मिले, 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है मोस्टली, 2 में से 1 नंबर मिले, लेकिन जिसने पूरा पूरा लिखा हुआ होगा, इंट्रोडक्शन भी दिया है, ठीक है। और क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन यहाँ बुक में लिखा हुआ था, जो बच्चा नहीं लिखेगा उसके नंबर कटेंगे, भाई आपने डायरेक्ट पॉइंट्स लिख दिए, आपने तो बताया नहीं कि साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया। तो जिस बच्चे ने डेफिनेशन दी, पहली बात इंट्रोडक्शन दिया, दूसरी बात पॉइंट्स लिखे विद प्रॉपर हेडिंग्स विद प्रॉपर सीक्वेंस, तो उसको मिल गए पूरे 2 के 2 नंबर, पूरे मार्क्स मिल गए, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर पैटर्न जो आपको अपने जहन में रखना है, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन के हिसाब से आपको तो नहीं बता सकती, बट एक जनरल आपको बता रही हूँ, या जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगी, नो इशूज, बट ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। पेपर अटैम्प्ट करना इज एन आर्ट, ठीक है। वो आर्ट अगर आपको आ गया तो वो उसकी वजह से ना आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं, चाहे आप इतना मतलब बेहतरीन आंसर ना भी लिखो, लेकिन अगर आपने पेपर ढंग से अटेम्प्ट किया है, सही से आपने जो है वो पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, आपने पॉइंट्स में हेडिंग डाली है, सबसे अच्छे तरीके से जो है वो पेपर पैटर्न को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो आपका जो मार्क्स आपको मिलेंगे ना वो अच्छे होंगे, फुल होंगे मोस्टली, ठीक है। सो पेपर अटेम्प्टिंग इज एन आर्ट एंड यू हैव टू लर्न इट। तो ये चीज़ मेरी समझ में आई कि क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करना है, किसी को कोई सवाल है इससे रिलेटेड कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू पिक आउट द टर्म उस क्वेश्चन के अंदर जिसको डिफाइन किया गया है आपकी बुक में, ठीक है, उसका थोड़ा सा बता दो कि भाई इसका मतलब यही है। अगर उस थ्योरी से या उस चीज़ से रिलेटेड कोई इंट्रोडक्शन है, आपने वो इंट्रोडक्शन बताना है, ठीक है, या कोई स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट लिखो, फिर आप उसके असल मुद्दे पे आ जाओ, ठीक है, उसको डिफाइन कर लो, पॉइंट्स है तो पॉइंट्स बता दो, एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंट लिख दो। और हाँ, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम्पल है, देन डू मेंशन दैट एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल आपका एक प्लस पॉइंट होता है और एग्जाम्पल के भी मार्क्स होते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ की एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो फिर क्या होगा, आपके नंबर जो डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ योर आंसर यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ एनी टर्म या एनी थिंग दैट हैज बीन मेंशन, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल देनी है, सपोज करो यूकेरियोट प्रोकेरियोट का आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो आपने एक कॉलम बनाया, ठीक है, आपने बीच में एक लाइन बनाई और 2 आपने कॉलम बना दिए, प्रोकेरियोट एक जगह आपने बनाया और यूकेरियोट, हर पॉइंट पे आपने हेडिंग डाली और उसके एंड में आपने प्रोकेरियोट की एग्जांपल लिख दी और यूकेरियोट की एग्जांपल लाजमी लिखनी है, बिकॉज अगर आप एग्जांपल नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है।
किसी को कोई सवाल है पेपर अटेम्प्ट करने का, ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, समझ में आया है? कहीं भी कोई तुम लोगों को कंफ्यूजन हो कि मिस इस तरह अटेम्प्ट करें या उस तरह अटेम्प्ट करें? ये बात मेरी क्लियर है बेटा, या कोई किसी को तो कोई सवाल है? नो मिस, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब ये तो मैंने तुम लोग को तरीका बता दिया। ठीक है, तो सेल बेसिकली क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस मौजूद होता है जो सराउंड कर रहा होता है, बेसिकली इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल में आपको पता है सेंटर में न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेल्स है, और सबसे बाहर है मेम्ब्रेन, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल है। ठीक हो गया, तो आपने अभी तक क्या चीज़ें सीखी कि सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने, और जो सेल क्या न्यूक्लियस होता है दैट इज दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, और जो सेल थ्योरी वो शीलर चिवान और आलब्रेचो ने दी थी। अब सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी पे आ जाओ बेटा, यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनानी है। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन में आपने तीनों साइंटिस्ट के नाम डाल दिए, शीलर चिवान और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है रुडोल्फ विर्चो या आलब्रेचो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बेटा सेल थ्योरी का, उस पर आप हेडिंग बना लो कंपोजिशन। ठीक है, हर पॉइंट पे हेडिंग लाजमी बनानी है। ठीक है, कंपोजिशन, अब कंपोजिशन से क्या मुराद है, सेल थ्योरी में शील्डन शिवान ने क्या किया, बेसिकली उन्होंने जो है जो थ्योरी प्रेजेंट की थी सेल थ्योरी, उसमें उनका पहला पॉइंट ये था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एक या एक से ज्यादा सेल है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो बेसिक कंपोजिशन है किसी भी ऑर्गन की वो सेल पे डिपेंड कर रही होती है। अब वो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर या वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, अगर वो बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, दैट ऑर्गेनिज्म वुड बी मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, और अगर एक सेल है तो यूनि सेल्यूलर है सिंपल ऑर्गेनिज्म में, बट चाहे एक सेल हो, 10 सेल हो, 10,000 सेल हो, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरे पॉइंट पे आप यूनिट ऑफ सेल की हेडिंग बना लो, तो उसमें आपको क्या बताया हुआ है, द सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब जो बेसिक यूनिट या बेसिक चीज या बेसिक स्ट्रक्चर जिसपे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, लाइफ इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या बेसिक यूनिट है दैट इज सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट है या लाइफ का बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। दूसरी बात, तीसरी बात ये बेटा, रुडोल्फ विर्चो ने ये वाला पॉइंट प्रेजेंट किया था कि सेल्स कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसपे आप हेडिंग बना लो डिवीजन। मतलब कि सेल आप कह तो रहे हो कि इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, आप कह रहे हो कि इट इज सेल इज एक्चुअली मेकिंग अप अ बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक हो या बहुत ज्यादा हो, लेकिन सेल्स आते कहाँ से? तो सेल्स बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब वो ए सेल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेल जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सेल की रिप्रोडक्शन, उन सेल की डिवीजन, उन सेल के डिवाइड होने की वजह से नए न्यू या इमेच्योर यंग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जो भी सेल्स आपके पास हैं वो सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, एक्चुअली आ रहे हैं डिवीजन ऑफ द एडल्ट सेल्स या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल ऑलरेडी मौजूद है वही डिवाइड करेगा, और वही डिवाइड करने के बाद न्यू या यंग सेल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, ये नंबर वन क्या कि कंपोजिशन, कि जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म की बेसिक कंपोजिशन सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो एक सेल हो, चाहे वो 2 सेल हो, चाहे वो 4 सेल हो। ठीक है, तो वो मिस आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, अब आ रही है अब से? जी अब सही है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि जो सेल थ्योरी है उसके बेसिक पॉइंट्स में एक क्विक रिविजन दे दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन मतलब जितनी भी ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी बेसिक बॉडी किस चीज़ से बनी हुई होगी, सेल से, कंपोजिशन। दूसरी बात ये कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, बेसिक यूनिट है, सिंपलेस्ट यूनिट है। तीसरी बात क्या, डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि एक सेल कहाँ से आ रहा है, वो सेल प्रोड्यूस हो रहा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या ऑलरेडी जो सेल मौजूद है उसकी डिवीजन की वजह से एक नया सेल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सेल कहाँ से आता है, सेल है क्या, ये सब चीज़ें सेल थ्योरी कवर कर रही है। तो ये बेसिकली क्या है, इन तीनों साइंटिस्ट ने प्रेजेंट की थी सेल थ्योरी, जिसने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया था इन बायोलॉजी के, भाई इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा ये हुआ कि जब हमें पता चला कि सेल होता क्या है, सेल की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमने रिसर्च या डिस्कवरी से स्टार्ट कर दी और सेल को स्टडी करना शुरू किया, जिससे हमें मजीद इन्फॉर्मेशन मिली। और वो इन्फॉर्मेशन क्या थी कि सेल के अंदर और कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द बेसिक बिगिनिंग बेसिकली, जिससे हमें पता चला कि सेल बेसिकली क्या होता है। तो ये आई थिंक बहुत ईजी चीज़ है, किसी को फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो।
हाँ डीनोवो स्ट्रक्चर किसने पूछा, ये मिनाहिल ने आई गेस पूछा है। मिनाहिल बेटा यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि शीलन शिवांस आइडिया ऑन ओरिजिन ऑफ सेल वाज नॉट कन्विंसिंग विच अग्रीड दैट सेल इज अ डीनोवो स्ट्रक्चर कुड अराइज फ्रॉम नॉन सेल्यूलर मटीरियल। बेटा डीनोवो का मतलब ये है, जो शीलन शिवान ने ना ये थ्योरी जब प्रेजेंट की थी तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया था जो थोड़ा सा गलत था, ठीक है। ये दो पॉइंट्स तो सही थे मगर एक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था वो ये था कि जो सेल्स हैं वो किसी नॉन लिविंग चीज या नॉन सेल्यूलर चीज से भी अराइज हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है, एक सेल ही डिवाइड होकर एक नया सेल बना सकता है, कोई और चीज डिवाइड होकर एक नया सेल नहीं बना सकती, ठीक है। डीनोवो स्ट्रक्चर का मतलब है कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि नॉन सेल्यूलर मटेरियल से अराइज हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें सेल मौजूद नहीं है उससे अराइज होने वाली चीज को, ठीक है। डीनोवो का मतलब क्या हो गया, नॉन सेल्यूलर मटीरियल, सही है। तो इन्होंने क्या कहा था शील्टन और शिवान ने कि भाई सेल एक डीनोवो स्ट्रक्चर है, मतलब ये ऐसी चीज से प्रोड्यूस होता है जो नॉन सेल्यूलर है, मतलब ऐसा तो बिल्कुल नामुमकिन है ना, सेल सेल के जरिए से ही प्रोड्यूस होता है, किसी नॉन सेल्यूलर या डीनोवो स्ट्रक्चर के थ्रू प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। तो मिनाइल बेटा इसका डीनोवो का मतलब ये है कोई भी ऐसी चीज जो नॉन सेल्यूलर है, खुद से ही प्रोड्यूस हो रही है, नॉन सेल्यूलर है, जिसमें सेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दैट इज नोन एज डीनोवो स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर है बेटा ये बात मिनाइल, आपको बेटा समझ में आया, मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो। ठीक है, और किसी को कोई चीज पूछनी है? ऑल क्लियर, ठीक है। अच्छा सेल की एक डेफिनेशन यहाँ भी है, ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन, ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है, मैं कहूँगी आप इस डेफिनेशन को याद कर लो। तो ये डेफिनेशन आपने सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप जो है वो क्या करोगे कि आप क्या नाम है ये वाली डेफिनेशन बताओगे, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन बताने के बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है कि भाई सेल थ्योरी क्या होती है, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेल थ्योरी के तीनों पॉइंट्स विद हेडिंग बताने हैं, सही हो गया। अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोप पे, माइक्रोस्कोप क्या होते हैं भाई? जी बेटा जी, बस इंट्रोडक्शन में जो फोर साइंटिस्ट हैं उन सबके नेम लिखने। तीन साइंटिस्ट है बेटा, शील्डन शिवान और रुडोल्फ विर्चो, बस इन्हीं के नेम लिखने, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक का नहीं लिखना। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो सेल थ्योरी में काम नहीं किया था ना बेटा, वो तो बहुत पहले उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखो किया है, जबकि शील्डन ने 1838, तकरीबन 200 साल का फर्क है, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन उनका नाम क्यों थोड़ी लिखोगे आप सेल थ्योरी में, क्योंकि उनका काम ही नहीं था सेल थ्योरी, उन्होंने नहीं प्रेजेंट की थी, उन्होंने सिर्फ सेल डिस्कवर किया था। तो सेल थ्योरी की इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, सिर्फ एक सिंपल लाइन लिखोगे कि शील्डन शिवान एंड आर विर्चो प्रेजेंटेड अ थ्योरी विच इज नोन एज सेल थ्योरी, ठीक है। ये लिखा, इतना इंट्रोडक्शन काफी है, ये आपको पूरे पूरे पैराग्राफ रटने की जरूरत नहीं है और ना आपको डेट्स याद करने की जरूरत है कि 1838 में इसने बताया, 39 में इसने बताया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इसलिए इनका ज्यादा बताती हूँ क्योंकि आप ऐसा ना करो कि अनइम्पॉर्टेंट चीजों को आप रटने बैठ जाओ और जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई आपके दिमाग से निकल जाए और फिर आप उसको मिस कर दो तो आपके नंबर कट जाए, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू मेक हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ दीज थ्री साइंटिस्ट एंड बिगिन विद योर सेल्फ थ्योरी के तीन पॉइंट्स, ठीक है, सही है बेटा। अच्छा माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई, देखा तो होगा सबने, नाइन क्लास करके आए हो तो पता होगा माइक्रोस्कोप क्या होता है। बस वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सके, ठीक है, वेरी गुड। और कोई माइक्रोस्कोप के बारे में मुझे कुछ बताना चाहेगा, दिखने में कैसा होता है और कितने टाइप के होते हैं अगर तुम लोग को पता हो? इस नाइन में तो दो टाइप पड़े थे, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। और यूज कौन सा किया था लैब में, दोनों तो नहीं यूज किए होंगे, ज्यादातर गुलिस्तान के बच्चे हैं ना यहाँ पे? मैं एजुकेटर की हूँ। आप एजुकेटर की हो, लेकिन बाकी जो गुलिस्तान वाले बच्चे हैं वो यकीनन उन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप ही यूज किया होगा। हमने लाइट माइक्रोस्कोप ही यूज किया है। आपने भी लाइट किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया जाता इस तरह की लैब्स में, इलेक्ट्रॉन बहुत हाई फाई लेवल पे यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज यू कैन एक्चुअली विजुलाइज वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट से आप थोड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स को आप लाइट से नहीं देख सकते। तो वैसे मैंने इसलिए बोला था, हो सकता है कि एजुकेटर्स वाले ने इलेक्ट्रॉनिक किया, बिकॉज हमारा स्कूल जो है उसमें तो सिर्फ लाइट ही होता था, बट बहरहाल। तो तीन तरह के बेसिकली माइक्रोस्कोप होते हैं, बट बेसिकली लाइट और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यूज में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली सॉरी माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, आपने अभी खुद बताया कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल स्ट्रक्चर्स को बेसिकली आप किस तरह से देखते हो, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो ना हमें ये पता चलता सेल क्या होता है, ना हमें
ये पता चलता कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली स्टडी नहीं कर पाते छोटे ऑर्गेनिजम्स को, सेल को नहीं स्टडी कर पाते. सो इट वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द पीपल एंड फॉर द साइंटिस्ट एज वेल. ठीक है, तो माइक्रोस्कोप इजाद होने का या इसकी इन्वेंशन का एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ दैट वी कुड इजीली व्यू एंड वी कुड इजीली एग्जामिन दी स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोक्टिस, जो बहुत माइन्यूट सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हमने एग्जामिन किया, उसको हम देख सकते हैं बाय मीन्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, विच कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स बेसिकली, लाइट हो गया, एक्सरे हो गया और इलेक्ट्रॉन. लाइट और इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है दे आर बेसिकली मोर यूज्ड. अब आ जाओ डेफिनेशन पे, ये ठीक है आ जाता है कभी कभी, डिपेंड्स, बट बहुत ईजी चीज़ है. ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट टू रिमेंबर. माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, द स्टडी ऑफ सेल्स एंड माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन द यूज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. यहाँ तक रखो, ठीक है, आप सेल को स्टडी कर सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हो जिसमें आपके पास वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, ठीक है, और प्रोटोक्टिस्ट हैं और पैरासाइट्स भी जो छोटे मोटे हो गए, आप इन सबको माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी कर सकते हो, आप इनको देख सकते हो. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, कि आप इन सबको देख सकते हो, यू कैन सी देम एंड यू कैन स्टडी देम. अब माइक्रोस्कोप कितने टाइप के बेटा, लाइट माइक्रोस्कोप, एक्सरे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब हमने ये जो माइक्रोस्कोप को डिवाइड किया है या माइक्रोस्कोप की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हमने नाम जो बेसिकली दिया है या जो डिवाइड किया वो बेसिकली उसके सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से किया है. सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन का, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, कोई भी लाइट आप यूज करते हो उसको कहते हैं इल्यूमिनेट करना, किसी भी चीज को क्या कहते हैं, किसी चीज को रोशन करना बाय मीन्स ऑफ लाइट. ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोप है उसकी हमने जो तीन टाइप्स डिफाइन किए हैं वो बेसिकली इस बेस के ऊपर किए हैं कि उसमें कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, कौन सी ऐसी सोर्स ऑफ लाइट है जिसके जरिए से हम ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में आपको नाम से पता चले हमने सिंपल लाइट को यूज़ किया है. एक्सरे माइक्रोस्कोप में हम एक्सरे को, जो वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ एक्सरेज होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, जो रेज होती हैं उनको इस्तेमाल करके हम छोटे ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं. ठीक है, उनको विजुलाइज करते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हम उसमें इलेक्ट्रॉन रेस को यूज करते हुए छोटे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं. अब डेफिनेशन इनकी आपके सामने लिखी हुई है कि लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन. मतलब आपको याद होगा जो आप स्कूल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे तो उसमें जो है टीचर उठा के माइक्रोस्कोप जो है वो विंडो की साइड पर रख देती थी. क्यों? क्योंकि वहाँ से सनलाइट आती थी, तो सनलाइट को आप, सनलाइट आपके पास जो पड़ी होती थी, ग्लास पीस होता था, एक छोटा सा ग्लास का पीस लगा हुआ होता था जिसको आप थोड़ा सा टिल्ट कर देते थे कि भाई सनलाइट आकर डायरेक्टली उसको स्ट्राइक करे और वो लाइट ऊपर जो ऑब्जेक्ट है या स्पेसिमेन है उस पर लगे तो हम उसको देख सके. ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट या जो एक नॉर्मल लाइट होती है, सनलाइट हो गई या नॉर्मल लाइट है, उसको हम यूज करते हैं ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को देख सके, उनको एग्जामिन कर सके. दूसरी चीज है बेटा एक्सरे माइक्रोस्कोप, जिसमें शॉर्ट वेवलेंथ एक्सरेज को आप यूज करते हो. ठीक है, सिंपल जो एक्सरेज हमने पहले भी पढ़ी थी रेडियोथेरेपी में, कि जो एक्सरेज होती हैं जो हम बेसिकली मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, जो एक्सरे चेस्ट एक्सरे हो गया, वैसे एक्सरे जो करवाते हैं जो लैब इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है, उसी एक्सरे को आप यूज करते हो एक्सरे माइक्रोस्कोप में, ताकि आप जो है ऑर्गेनिजम्स को देख सको बाय मीन्स ऑफ दीज एक्सरेज. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आ जाओ तो ये एक बहुत एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप है. जो चीज़ें आप लाइट से नहीं देख सकते, लाइट माइक्रोस्कोप से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, एक्सरे माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, वो चीज़ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, क्योंकि इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है. छोटे से छोटा स्पेसिमेंट भी आप इससे देख सकते हो, जो आपको लाइट से भी नहीं नजर आता लाइट माइक्रोस्कोप से, वो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो. ठीक है, और इसको क्यों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन. यानी कि जो चीज़ आप देख रहे हो उसको देखने के लिए जरूरी है कि उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है या वो चीज़ जो उस स्पेसिमेन को ब्राइटन अप कर देगी सो दैट यू कैन ईजिली सी देम. ठीक है, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम. इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगी, आपको बेसिकली हेल्प करेगी उस ऑर्गेनिज्म को देखने में या उसको विजुअलाइज करने में. ठीक है, सो दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट, एक्सरे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आप यूज करते हो लैब्स में, जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं टू स्टडी टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, ऑर्गेनल्स. ठीक है, तो ये तीन टाइप के होगा. और अगर इसमें से कभी पूछते हैं कि सबसे एडवांस कौन सा है, तो वो एडवांस टाइप जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिससे आप बहुत छोटे भी ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम और एनी अदर. ठीक है, तो आप आराम से इसको विजुलाइज कर सकते हो. कोई सवाल है किसी को?
ये शॉर्ट में अक्सर आ जाता है बेटा, पूछा जाता है, बहुत इजी है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। आपको बस ये पता हो कि हर माइक्रोस्कोप में कौन सी चीज को यूज किया हुआ, नाम से पता चल जाए, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। देखो बेटा रट्टा मत मारना बिकॉज यू गाइज आर न्यू इन फर्स्ट ईयर, ठीक है? 5 मिनट हमारे पास रहते हैं फिर मीटिंग एंड हो जाएगी, तो बस ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है ना, वो बेसिकली आपका एक तरह से इंटरमीडिएट, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी और स्कूल के बीच में इंटरमीडिएट है, ठीक है? अब आप जब एम कैट दोगे, मेडिकल कॉलेज का जो एडमिशन टेस्ट होता है वो दोगे, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे बोर्ड वाले पेपर की तरह नहीं होते कि रटे रटाया आपसे पूछ लिए, ठीक है? वो ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, उसको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है? मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट, अभी देखो हमारे पास जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी वो सिंपल थी, मगर आगे जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें थोड़ी सी एडवांस चीज़ें, ठीक है? ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा, ठीक? तो अगर तुम लोगों को कहीं भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है? खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। रट्टू तोते बनने की जरूरत नहीं है कि आपने हर एक एक लाइन को रटना शुरू कर दिया, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो तुम लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और अब पेपर में तुम लोगों के रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? 9 का ऑब्वियसली मुझे नहीं आइडिया, बट फर्स्ट ईयर में रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उस हवाले से भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन में आपको नहीं पता वो कहाँ से भी कुछ भी उठा के दे दें, कुछ भी सवाल पूछ लें, ठीक है? सो यू नेवर नो कि वो क्या पूछ सकते हैं, तो उस हवाले से आपको अपना, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने वर्ड्स में, आप अपने ओन वर्डिंग्स में आप बता सकते हो कि क्या चीज़ आंसर है या क्या इस तरह से, ठीक है? सो ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट रोड ट्रेंडिंग के आपने उठा के रट्टा मार दिया, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना बेटा कि रट्टा नहीं लगाना, समझ के पढ़ना। अभी तक कोई सवाल है किसी को? रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन बेटा हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? रेजोल्यूशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होती है, हम कल की क्लास में इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। किसी को कोई सवाल नहीं है? बाकी सब्जेक्ट्स में तुम लोगों को कोई मसला हो रहा है, कोई इशू हो रहा है?